हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज़ मेन्यू विद शुभी मिन्हाज। तो आज रमज़ान का आखिरी दिन है और आखिरी जुमा भी है। ये महीना अब अगले साल ही आएगा, तो अलविदा जुमा है आज। तो अलविदा जुमा के लिए ये वाला केक मैंने बनाया है। तो ये मैंगो फ्लेवर केक है जो कि एक कप प्रीमिक्स से बनाया है और ये हाफ के जी का है। इसको मैंगो इमल्शन दे के केक को बेक कर लिया था और उसके बाद मैंने इसे 3 लेयर में कट कर लिया। तो पहले ऊपर की एक लेयर पतली वाली निकाली जो कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, सॉफ्ट ही थी इसलिए ज़्यादा नहीं निकाला, और उसके बाद मैंने तीनों लेयर को कट कर लिया। अब ये साइड में रख लेते हैं और अब मुझे फ्रेश मैंगो इसके अंदर डालना है। तो ये मैंगो लिया, इसको अच्छी तरह से धो लिया, साफ़ कर लिया। इसको मैं छोटे छोटे टुकड़े में, बिल्कुल छोटे 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 टुकड़ों में कट करूँगी। तो काट लेना, बिल्कुल चॉप कर लेना बारीक, क्योंकि बीच में अगर ज़्यादा मोटा पीस आएगा तो वो भी ठीक नहीं लगेगा। जितना छोटा टुकड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो इसीलिए मैंने इस तरह से काट लिया इसको। अब मुझे कुछ पतले पतले आम के स्लाइसेस चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये एक टुकड़ा लिया आम का और इसको बिल्कुल बारीक पतला पतला इस पतले पतले स्लाइस में इसको काट लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। स्लाइस इतना पतला होना चाहिए कि जो ईजिली फोल्ड हो जाए, मुड़ जाए। तो ये देखिए इस तरह का स्लाइस चाहिए हमें। तो ये कट गया, अब इसको भी साइड में हम रख लेंगे और अब हम शुरू करेंगे केक की लेयरिंग करना। तो सबसे पहले केक बोर्ड रखेंगे, क्रीम में मैंगो इमल्शन मिलाया है थोड़ा सा, 2-3 ही बूंद मिलाया है, ज़्यादा नहीं मिलाया है, बस फ्लेवर आ जाए थोड़ा सा। उसके बाद बोर्ड पर क्रीम लगाना है, फिर पहली लेयर रखनी और फिर सेम प्रोसेस। सोकिंग के लिए पानी में मैंने मैंगो क्रश और चीनी मिलाई है, इससे हम सोक कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर क्रीम लगाना है, क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे एक लेवल में। इसके बाद हम इसके ऊपर क्रश लगाएंगे और अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये जो कटे हुए आम है, इनको 2 लेयर में डालना है। तो जितना काटा था हाफ एक लेयर में डाल देंगे और हाफ एक दूसरी लेयर में। अब दूसरी लेयर को भी इसी तरह सोक करना है। पूरी डेकोरेशन देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि मेरी डेकोरेशन आप लोगों को कैसी लगी। ये वाली जो मैंगो, फ्रेश मैंगो की डेकोरेशन मैं कर रही हूँ। अब इस पर भी क्रश लगाना है और कटा हुआ मैंगो रखना है। तो अभी मैंगो मार्केट में, मतलब अभी तो सीज़न ही आ गया मैंगो का, तो बहुत फ्रेश मैंगो मिल रहा है, शुरू हो गया मिलना। अभी बहुत सारी वैरायटी नहीं आई है लेकिन मिलना शुरू हो गया है। तो इस तरह से मैंगो केक बनाइए, अभी सीज़न का मैंगो भी है और बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब फाइनल लेयर जो सबसे लास्ट वाली होती है वो रख दिया ऊपर से और फिर अब इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे। और क्रम कोटिंग करने के बाद 10 मिनट इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तो क्रम कोटिंग भी मेरी हो गई है, अब बोर्ड को क्लीन करेंगे और फ्रिज में रख देंगे इसको सेट होने के लिए। और जब तक वो फ्रिज में सेट हो केक मेरा सेट हो रहा है, जब तक हम क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो क्रीम में मैंने मैंगो इमल्शन मिलाया है थोड़ा सा और अब इससे हम इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग करते हैं। तो पाइपिंग बैग में भर लिया था क्रीम को और उससे हम पाइपिंग बैग से ही पूरे केक पर हम क्रीम लगाएंगे। तो बिल्कुल हल्का सा शेड आया है मैंगो वाला और खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। अभी साइड में पहले तो ऊपर हम इसको लेवल करेंगे, फिर साइड को बराबर करेंगे, उसके बाद हम स्क्रैपर घुमा के इसको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो क्रीम सही बीट की हुई क्रीम होती है, बहुत हार्ड नहीं, बहुत सॉफ्ट नहीं, तो बहुत जल्दी हो जाता है काम। तो देखिए एक ही बार में आज मेरा केक जो है कंप्लीट हो गया फिनिशिंग के साथ। अब ये जो आम का ये मैंगो स्लाइस कट करके रखा था उसको इस तरह से रोल करना है, एक बड की तरह से बनाना है और इसको सेंटर में प्लेस करना है और बाकी स्लाइस को हम जो कटा हुआ पार्ट है वो नीचे रखना है और जो
ओवल पार्ट है मैंगो का, उसको ऊपर की तरफ रखना है, और जिस तरह से हम फ्लावर नेल पर रोज़ फ्लावर बनाते हैं बस उसी तरह से एक एक स्लाइस को थोड़ा सा घुमा घुमा के, पेटल्स जैसे बनाते हैं थोड़ा घुमा घुमा के, उसी तरह से इसको सेट करते जाना है। तो ये मैंगो के स्लाइस का एक रोज़ रेडी हो जाएगा। और इस तरह से आप पूरे केक के टॉप पर बना सकते हैं, मैंने छोटा सा बनाया है, आप पूरे केक के टॉप पर भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैंने थोड़ी सी क्रीम ली, उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके इसको थोड़ा सा लिक्विड कर लिया, और इसमें ग्रीन कलर मिलाया एक बूंद, और उसको दूसरे में ऑरेंज कलर मिलाया है एक बूंद। तो दो तरह के शेड की क्रीम तैयार की है। बस इसको उंगली पर इस तरह से फिंगर पर लेंगे और इसे छींटे मारना है पूरे केक पर, तो एक ये टेक्सचर तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लगता है। ये वाला टेक्सचर भी अभी ट्रेंडिंग में भी है, इस तरह का टेक्सचर। तो ऑरेंज से भी ऐसे ही बना लेंगे हम। और थोड़ा सा पानी में क्रश मिलाएंगे, मैंगो क्रश, और इससे हम ब्रश कर देंगे ये जो फ्लावर बनाया है उसको। यहाँ पर आप न्यूट्रल जेल से भी कर सकते हैं, तो आज मैंने न्यूट्रल जेल से नहीं किया क्योंकि वो अभी मुझे मिला नहीं, क्योंकि तो बताया ही था मैंने कि मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ तो सारा सामान इधर 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 उधर है, चीज़ें भी अंदर ही हैं, निकली नहीं है बाहर, तो वो भी रखा हुआ है, वो भी निकल जाएगा एक दो दिन में। तो मैंने क्रश से ही किया, इससे भी वैसे ही काम होगा। और फिर क्रीम में मैंने थोड़ा सा मैंगो इमल्शन मिलाया है, कोई नोज़ल नहीं लगाया है, बिल्कुल सेम पाइपिंग बैग है जिसे आइसिंग की थी फाइन फ्रॉस्टिंग के वक्त यूज़ किया था, और उसे लेफ्ट राइट करते हुए एक पैटर्न बना लेंगे। तो ये पैटर्न भी रेडी हो गया है मेरा, और नीचे उसी से पर्ल वाले बॉर्डर बना लेना है नीचे। बहुत सिंपल सा डेकोरेशन है, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक है, मुझे तो ठीक ही लग रहा था। आप बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैंने यहाँ पर ज़्यादा कलर इसलिए नहीं यूज़ किया है कि मैंगो का जो अपना ओरिजिनल कलर है वो दिखना चाहिए, आर्टिफिशियल कलर नहीं दिखना चाहिए, और हेल्दी भी नहीं होता है। तो कोशिश करती हूँ कि कम ही केक कलर का यूज़ हो। उसके बाद जो बॉर्डर मैंने बनाया उस पर भी थोड़ा सा ऑरेंज और ग्रीन छींटे मार दिए ताकि और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। और एक बड़ा सा पर्ल रख दिया है, ये रोज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है अब देखने में। और साइड में भी थोड़ा बड़ा छोटा करके पर्ल रख दिया है। इसके बाद इसके ऊपर सिल्वर स्प्रे किया है एक अच्छी सी प्यारी सी शाइन के लिए। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर गोल्डन पर्ल भी रखा है, मतलब डाला है, स्प्रिंकल किया है 4-5। और उसके साइड वाले जो बॉर्डर बनाया ऊपर वाला बॉर्डर, उस पर भी मैंने एक वाइट पर्ल रखा है। तो ये वाली डेकोरेशन आप लोगों को मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको बेकिंग में इंटरेस्ट है। और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वीडियो को पूरी वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए आइडिया के साथ, एक नई डेकोरेशन के साथ। तो कीप बेकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।